जय हिंद आप सभी को। और आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में, वो है मिशन सागर। अबे मिशन सागर अगर आपकी इंडियन नेवी की स्पेशली एसएसबी आ रही है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और यहाँ पर आर्मी नेवी के लिए भी इंपॉर्टेंट, आई मीन आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे? उसके लिए पहले मैं आपको एक न्यूज दिखाऊंगा, जरा इस न्यूज को देखिए आप। इंडियन नेवल शिप केसरी विच हैज रीच्ड माले पोर्ट इन मालदीव्स एंड दिस इज द फर्स्ट डेस्टिनेशन अंडर मिशन सागर। इट विल डिस्चार्ज 580 टन्स ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स एज अ गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ मालदीव्स। ओके, अभी आपने एक बात सुनी कि मिशन सागर है, जो आपके सामने नाम भी दिख रहा है मिशन सागर, उसमें इंडिया जो है गिफ्ट कर रहा है फूड आइटम्स और मेडिसिन 5 इंडियन ओशन आइलैंड्स को। क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल एंगल है, इस बात को हमें समझना है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने, बाय प्रोफेशन आई एम यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहां से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोहन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोहन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तरीके बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब मिशन सागर में ये जो सवाल है ये आपसे डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ये सवाल आपके जीडी में और लेक्चर में डायरेक्टली नहीं आएगा, कहीं आपको जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मिशन सागर के अंदर जो इंडियन नेवल शिप है आईएनएस केसरी, वो 5 जगह जाने वाला है। वो है मालदीव सबसे पहले, फिर मॉरिशियस, सेशल्स, फिर कोमोरो आइलैंड जो कि अजमशा आइलैंड के पास है, उसके बाद मेडागास्कर आखिर में। ये पूरा का पूरा उसका प्लान है आईएनएस केसरी का। नाम याद रखना, शिप का नाम है आईएनएस केसरी। अब ये आईएनएस केसरी जो है ये एक लैंडिंग शिप है। लैंडिंग शिप क्या होता है? लैंडिंग शिप ये होता है, आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर टू के टाइम की एक फोटो है जिसमें से एक शिप के अंदर से टैंक आ रहा है, और यही आईएनएस केसरी का काम है कि इसके अंदर टैंक जाते थे, या मतलब जाते अभी भी हैं, अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अभी इन 5 देशों में जा रहा है। अब यहां से बात आगे बढ़ती है कि ये कौन से क्लास का शिप है। देखिए, जो आईएनएस होती है, कोई भी शिप होती है उसको हम कहते हैं मोटे मोटे टर्म में वेसल। आपसे कभी भी एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आईएनएस केसरी कौन से टाइप का शिप है, वो कहेगा कौन से टाइप का वेसल है। तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए। तो ये जो वेसल है उसका नाम है एम्फीबियस असॉल्ट शिप वेसल। ये आपको पता होना चाहिए इसका टाइप, ये आपसे पूछ लिया करेगा। अब जब आप इतने सवाल का जवाब करेंगे कर रहे होंगे तो कहेगा कंटिन्यू। जो आप कंटिन्यू करने को कहेगा तो आपको वापस उसी सवाल पे आना है जो आपसे शुरुआत की थी, और सवाल क्या था? मिशन सागर। तो अब मिशन सागर पे अगर हम आगे बढ़े तो मिशन सागर में हमें क्यों जरूरत पड़ गई कि हमें मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कॉमोरोस और सेशल्स में सामान पहुंचाना जरूरत पड़ रही है। देखिए, वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मालदीव के लिए कहूँ, मालदीव की पॉपुलेशन है 5 लाख, और अगर मेरा जो छोटा सा शहर है मेरठ जो कि दिल्ली के पास से 60 किलोमीटर फार, उसकी अकेले की पॉपुलेशन 15 लाख है। वहां पर इतने कोरोना वायरस के केसेस नहीं है जितने एक मालदीव में है। मालदीव में 835 केसेस हैं और 3 मौतें हो गई हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है तो हम इस मिशन सागर के अंदर इन देशों को क्या पहुंचा रहे हैं। देखिए, मालदीव को हम 600 टन का फूड पहुंचा रहे हैं, मॉरिशस को मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, और मेडिकल असिस्टेंस टीम, मतलब एक टीम भी जा रही है हमारी तरफ से। फिर मेडागास्कर में HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, जो कि एक एंटीबायोटिक, या मैं कहूं कि हेल्प कर रहा है COVID-19 में लड़ने में। एंटीबायोटिक नहीं कहूंगा मैं, एंटीबायोटिक गलत शब्द निकल गया यहां से, पर एक ऐसी मेडिसिन है जो कि COVID-19 के खिलाफ लड़ने में मदद कर रहा है। और सेम हम कॉमरोस में HCQ मेडिसिन टेबलेट भेज रहे हैं और मेडिकल असिस्टेंस भेज रहे हैं, और शेष सेल्स में जो COVID के रिगार्डिंग मेडिसिन उन्होंने एक्स्ट्रा मांगी है वो हम भेज रहे हैं बिसाइड HCQ। ये मोटी मोटी बात है। अब बट आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम क्या भेज रहे हैं कौन से देश में पर्टिकुलरली, आपको ये जानने की जरूरत है कि टोटल जो देश हम 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और मिला जुला कर हम इसमें मेडिसिन और फूड भेज रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बात याद रखनी होगी। अब यहां से जियोपॉलिटिकल एंगल क्या बन जाता है, देखिए आप ये सारे के सारे जो देश देख रहे हैं छोटे छोटे, जिनकी आबादी छोटे से शहर मेरठ जैसे से या इंदौर जैसे से बहुत कम है, बहुत ही कम, उनको हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? उनको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है क्योंकि ये सारे के सारे देश आते हैं इंडियन ओशन में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इंडियन ओशन में तो बहुत सारे देश है, श्रीलंका भी आता है, बाकी और देश भी आते हैं।
अगर आप सोच के देखो आज की तारीख में कौन कौन से देश मैन्युफैक्चरिंग के लिए खड़े हैं, वो है इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और आसियान नेशन, ये पूरे के पूरे। अब इनको अगर ट्रेड करना है तो वो किससे करेंगे? पूरी दुनिया से। और वो इधर से नहीं जाएंगे, वो जाएंगे इधर से। क्यों? जरा यहां देखो, ये मैप है। अगर वो इधर से जाएंगे पूरा पैसिफिक ओशन कवर करना पड़ेगा और उसमें भी वो सबको सामान नहीं बेच पाएंगे, पर यहां से अगर वो जाएंगे तो वो पूरी दुनिया को अपना सामान बेच सकते हैं और बेचते बेचते वो यूएस की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर फैक्ट ये है कि गारमेंट में सबसे बड़ा जो लीडिंग है साउथ एशिया में वो है बांग्लादेश। इनफैक्ट अगर पूरे एशिया में बात करें तो बांग्लादेश सेकंड रैंक पे होल्ड करता है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब जीन्स, कुर्ते पजामे, जो भी आपके कपड़े बनते हैं उसमें। तो यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर पकड़ होनी जरूरी है। मान लो कल चाइना की यहाँ पर पकड़ हो जाए पूरे इंडियन ओशन में, वो कहते हैं मैं ट्रेड ही नहीं करने दूंगा, जो वेसल जाएगा यहाँ से या जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो यहाँ से, आपका कोई शिप जा रहा है, उसके लिए आपको परमिशन भी देनी पड़ेगी, पैसे भी देने पड़ेंगे, तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। और यहीं पर ही फाइट की बात आ जाती है इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा फाइट चल रही है रिगार्डिंग डोमिनेंस इन इंडियन ओशन। साउथ चाइना सी में तो ऑलरेडी डोमिनेंस हो रखी है चाइना की, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं, बट चाइना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन में भी, जिसके मतलब उसने उसके लिए एक स्ट्रैटेजी निकाली है, उसका नाम है पर्ल स्ट्रिंग थ्योरी। पर्ल स्ट्रिंग थ्योरी में उसने क्या करा है कि उसने अपनी नेवल शिप डॉक कर दी है इंडियन ओशन में। जैसे यहाँ पर आप हम्बल टोटा पोर्ट है, वहां पर आप देखेंगे कि सबमरीन डॉक होने की खबर बहुत फ्रिक्वेंटली आती रहती है चाइना की, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहां से ग्वादर पोर्ट जो है, जो पाकिस्तान का है, वहां पर भी चाइना की सबमरीन डॉक करी हुई देखी गई है। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना, ये मोटी मोटी बात है। बट फिर भी इंडिया खाली इस वजह से यहाँ पर जो छोटे छोटे देश हैं, सेशेल, मालदीव, मेडागास्कर, मॉरिशस, इनकी हेल्प कर रहा है। और भी कई वजह हैं। वजह क्या है? वजह है ये, टुमारो हम नेवल बेसिस खोल सकते हैं इन 5 देशों में, उसके साथ पर्ल ऑफ स्ट्रिंग को ब्लॉक करने का काम कर सकते हैं कि भाई अगर पर्ल ऑफ स्ट्रिंग बनाने की कोशिश भी कर रहा है चाइना तो यहाँ पर इंडिया खड़ा है। उसके बाद सॉफ्ट पावर मिलेगी हमें चाइना के अगेंस्ट यूएन में, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं इन देशों की मदद कर रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं फूड और बाकी ग्रोसरी आइटम या डेली आइटम के लिए भी बाकी देशों पे डिपेंड होना पड़ता है, और वहां इंडिया एकदम फ्री फ्री सप्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं उनसे पैसे मांग रहा है कि नहीं तुम पहले पैसे दो, हम यहाँ पर बिजनेस करेंगे, पैसे हम भी कमाएंगे फिर तुम्हें देंगे, नहीं डायरेक्ट मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन देशों के जो लोग हैं उनके अंदर भी हमारे लिए एक सॉफ्टनेस जागेगी कि इंडिया हमारा दोस्त है। अब यहां पर एक और फायदा यह है कि वोट मिलेगा यूएन में, ये देश मदद कर सकते हैं हमें एक परमानेंट सीट दिलाने में यूएन के अंदर। अच्छा एक बात और बताता हूं, मैंने आपको एक बात बताई थी यहां पर, वो ये थी कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस बनेगी इन देशों के लोगों के में हमारे लिए। सेशेल एक ऐसा देश है जहां पर हम अपनी सॉफ्ट पावर बनाना चाह रहे थे, यहां पर अपना एक एयरपोर्ट बनाना चाह रहे थे, पर यहाँ की पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ कि नहीं यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बन सकता इंडिया का। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां के लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं इंडिया का दबाव सेशेल्स पे बन रहा है, इंडिया हमें ओवर पावर कर रहा है, और इस वजह से सेशेल की पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि कोई एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप नहीं बनेगी सेशेल्स के अंदर। और यही अगर ये बात हमें उन लोगों को लगता कि नहीं ये तो अच्छे काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो वो अलाउ कर देते। जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान के लोगों का मानना है कि इंडिया हमारे लिए ही काम कर रहा है, यहाँ पर हॉस्पिटल स्कूल जो बनाए हैं इंडिया ने वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब भी आप देखते भी होंगे जब अफगानिस्तान के लोग हमारे लिए बात करते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ अच्छे ही शब्द निकलते हैं, और ऐसी रिलेशनशिप हम इनके साथ बनाना चाह रहे हैं। ये मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आप बहुत बढ़िया बता रहे थे कि सर ये INS केसरी जाएगा, ऐसे ऐसे शिप, ऐसे ऐसे जो 5 देश हैं जो इंडियन ओशन में हैं उनसे मुलाकात करेगा और उनको जो जो जरूरत है वो दे देगा, और इससे कहीं ना कहीं हमारी सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगी और यूएन में भी दबाव पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके सामने डाल देगा वो ये डाल देगा कि एक बात बताओ, ये जो 5 देश है मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कॉमोरोस और सेशल्स, इसमें INS केसरी क्यों जा रहा है? वो एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, वो ही क्यों जा रहा है? हमारे पास बहुत सारे शिप्स हैं, आई मीन बहुत सारे शिप हैं, तो उनको भेज देते हैं, उन्हें क्यों नहीं भेज रहे? तो यहाँ पर आपका जवाब आना चाहिए। देखिए जो पहला शिप है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका काम है कि ये जहाज जो है जेट और हेलीकॉप्टर्स इनको कैरी करता है, तो इसका काम नहीं है सामान लोड करने का। उसके बाद है क्रूजर, डिस्ट्रॉयर,
कॉर्वेट और फ्रिगेट, इनका काम होता है अटैक करने का, डिफेंड करने का। तो ये भी एक काम नहीं करते हैं सर कि लोड करें सामान और भेज दें। और यहां पर आखिरी बच जाता है एम्फीबियस वॉर वेसल। अगर मैं सर इसके बारे में बात करूं तो ये टैंक तक कैरी कर सकता है, तो फूड आइटम्स, मेडिसिन तो बहुत छोटी चीजें इसके लिए कैरी करना, इसलिए हमने एम्फीबियस वॉर वेसल को यूज करा है और इसलिए हमने आईएनएस केसरी को हमने आगे रखा है। अब आप कहोगे यहाँ पर माइनर सर्फेस कॉम्बेटेंट एंड माइनर सर्फेस वॉरफेयर वेसल क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर नहीं आते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इन दोनों की ही आई मीन इन सारे शिप के बारे में ही बात की है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से एक सवाल और आ सकता है, क्या आप ये बता सकते हो कि कॉर्बेट और फ्रिगेट में अंतर क्या है? जरा मैं आपको पहले एक फोटो दिखाता हूं। ये है यहां पर कॉर्बेट और यहां पर है फ्रिगेट, दोनों में अंतर बता सकते हो? फोटो फोटो देख के क्या अंतर है? नहीं बता पाओगे, बहुत मुश्किल है बताना, दोनों दिखते ही एक जैसे हैं। कॉर्बेट और फ्रिगेट, पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है साइज का। जरा फोटो ध्यान से देखो, कॉर्बेट का साइज और फ्रिगेट के लेंथ में बहुत बड़ा फर्क है। इसके बाद अगर आप सिमिलैरिटी देखो तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, क्यों? देखो सामने आगे गन माउंटेड है, इसमें भी गन माउंटेड है, बट कॉर्बेट जो है वो स्पीड काफी अच्छी है उसकी, जबकि फ्रिगेट की नहीं है। अब यहाँ पर जो फ्रिगेट है वो क्या करता है, जो मर्चेंट नेवी के वेसल्स होते हैं उनको डिफेंड करने का काम करता है अगेंस्ट सबमरीन, जबकि कॉर्बेट का काम ऐसे नहीं है। वो हाई स्पीड एक शिप है या बोट कह लीजिए आप, हाई स्पीड बोट है जिसका काम होता है पेट्रोलिंग करने का बेसिकली कोस्टल लाइन पे, या किसी भी एक शिप को एक सहारा देना, क्या उसको एक जैसे बॉडीगार्ड होता है, बॉडीगार्ड की तरह आगे बढ़ना। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ये वाले, इनके साथ भी चलते हैं कभी कभार, क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा होती है तो ये तुरंत अटैक करने के लिए काफी अच्छे होते हैं, बट इनके साथ क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भी लगे हुए होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये होता है वीडियो का एंड, बट वीडियो के एंड से पहले बात कहना चाहूंगा कि ऐसे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो आपसे इंटरव्यू में बीच में पूछे जाते हैं, ये आपको डिटेल में अगर जानने हो और ये कैसे पूछे जाते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देखो मेरी, SSB पर्सनल इंटरव्यू शुभम वार्ष, इसमें जो कमांडर चक्रपाणी सर है उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है, और इसे सर्च करना बड़ा ही सिंपल है। आप मेरा नाम वहां पर टाइप कीजिए, शुभम वार्ष ने SSB, और ये वीडियो आपको मिल जाएगी। खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा गाइस, मैं अनअकैडमी पे लाइव आपके लिए ना फ्री क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाने वाला हूं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है, उसमें मेरा नाम सर्च करना है शुभम वार्ष ने, और सर्च करने के बाद वहां पर आपको प्लस ऑप्शन मिलेगा। प्लस ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको परचेज करना है, वहां पर लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप लाइव पे क्लिक करेंगे तो आप एक रिमाइंडर पे सेट हो जाएंगे, और जब मेरा कोर्स आएगा जो कि अभी आ रहा है 16th of May को फ्री में पहला, और वो आ रहा है डेसिमल एंड न्यूमेरिकल्स पे, तो अगर आप वहां पर आएंगे तो आपको वो चीज फ्री में देखने को मिलेगी लाइव, और हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, और आपके जो डाउट्स होंगे मैं वहीं पे ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा, जो आपकी CDS, FCAT, INET इन सभी एग्जाम्स में मदद करेंगे, और टेरिटल आर्मी भी, ये मैं बोलना भूल गया। सो सी यू ऑन 16th of May एट 9 PM, और आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे सेंड करो, मैं श्योरली उसे क्लियर करूंगा। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और बोलना भूल गया कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, सारे के सारे जितने भी हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स में सबके सब कवर करूंगा, और ये आपको कहाँ मिलने वाला है, अनअकैडमी पे देखना, और ये फ्री है, भूलना मत इस बात को कि ये बात फ्री है, मैं आप यहाँ पर अनअकैडमी आपसे कोई चार्जेस ले रहा है, नहीं, ये एकदम फ्री है, लाइव सेशन है, आपके डाउट तुरंत क्लियर होंगे, और सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और पास ये क्वेश्चंस को भी देखेंगे फॉर CDS, FCAT, INET, टेरिटल आर्मी। मिलता हूँ आपसे अनअकैडमी पे, सो बी स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूँ तो हैशटैग वार्षिंग करके कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और GD टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में, और टाइप करिए SFGD टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज़ भेजता हूँ, मैं उनको रोज़ सोचता हूँ, वो है अंतिम पगो।